सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साकिना का खेरानी रोड नाला नंबर 10 की समस्या सुलझाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख पहुंचे, जहां स्कूल के फादर, मस्जिद के मौलाना, मदरसे और वहां की आम जनता ब्रिज बनने की देरी से और उसकी वजह से होने वाली समस्याओं की शिकायत किए जाने पर मुआयना करने हाजी अरफात शेख पहुंचे, जहां अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। इस मौके पर कमरुल हुदा खान उर्फ छोटू भाई, मकबूल मुजावर, अखिल कुरेशी, अब्दुल हसन अंसारी सहित शिकायतकर्ता और रहवासी मौजूद रहे। नहीं, कैसा है, कुछ लोगों के यहाँ के फादर है, यहाँ के मस्जिद से, मदरसों से, गुरुद्वारे से, सभी लोगों के कुछ लोग मुझे अल्पसंख्यक आयोग के ऑफिस में आके मुझे यहाँ पे बताया कि पिछले कई महीनों से एक ब्रिज यहाँ पे टूटा हुआ था और वो ब्रिज बन नहीं रहा था, कि कभी अगर कोई यहाँ पे बड़ा हादसा हो गया तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, कोई बीमार अगर हो गया, किसी को अटैक आ गया तो यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर उसको हॉस्पिटल जाना है तो परेशानी, बच्चों को परेशानी, स्कूल बस की परेशानी, ये सारी परेशानी का बात हम आयोग की तरफ उन्होंने कहा। तो आयोग का फ़र्ज़ है कि हर छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का, इस सरकार का यही काम है, ख़ासतौर पर सबका साथ सबका विकास, इसी को कहते हैं कि हर छोटी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान है। यहाँ के सभी लोगों के, खैरानी रोड के सभी लोगों ने कहा, हमारे छोटू भाई इन्होंने सब ने कहा, कौसर अली ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज सभी अधिकारी को, गवर्नमेंट के सारे अधिकारी को बुलाए, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी थे, कलेक्टर के अधिकारी से, सारे अधिकारी को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि बिल्कुल 4 या 5 रोज़ के अंदर सारी रिपोर्ट्स मंगलवार तक के मेरे ऑफिस में उनको कहा लाके देने के लिए, और 10 दिन के अंदर ये काम शुरुआत भी हम करेंगे। मैं आज खुद अभी आयोग से बात करके, तुरंत बात करके इनका 10 दिन में काम शुरुआत भी कराऊंगा और वापस देखने के लिए भी आऊँगा कि किस तरीके से, किस क्वालिटी का काम हो रहा है। और ये काम देखकर हमने कहा कि ये छोटा है जो ब्रिज है, इसको थोड़ा बाजू में खसका दो और उसको बाजू में करके एक साइड का कम से कम चालू कर दो। टोटल ब्रिज बनने के लिए 8 से 9 महीने लगेंगे, तो 4-4 महीने का टाइम में, मतलब 4 महीने में एक साइड का ब्रिज रेडी हो जाएगा, 4 महीने में दूसरी साइड का ब्रिज रेडी होगा, ताकि लोगों को एकदम आसानी से काम सहूलत हो जाए। 9 महीना इतना रोकने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरत नहीं है कि 9 महीने के बाद ही ब्रिज रेडी होगा या किसी की उद्घाटन की जरूरत हुए। लोगों की सेवा करना चाहिए, लोग उद्घाटन, क्रेडिट और ये सारी चीज़ों में पता नहीं क्यों उलझे रहते कि हमारे ओल्ड बैंक बढ़ जाएगी। ये चीज़ से लोगों का नुकसान होना नहीं चाहिए, किसी बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। मैं यहाँ के लोगों को इतना ही कह के जाऊँगा कि राजनीति राजनीति की जगह पे होनी चाहिए, लेकिन जहाँ लोगों की सेवा की बात है तो वहाँ लोगों की सेवा होनी चाहिए। और बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर 10 दिन के अंदर मैं यहाँ के सभी लोगों से वादा करके जाता हूँ, बिल्कुल 11वें दिन हाजी अरफात शेख फिर अगर नहीं काम शुरू हुआ तो यहाँ पे हाजिर होगा और खड़े रह के काम करवाने की ताकत रखता है। बहुत बड़ी आबादी, एक मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, रमज़ान के वक्त में बहुत लोगों को तकलीफ हो गई है। और बेसिक चीज़, मतलब ठीक है, गणपति तो उसके लिए तो कर ही रहे, छोटे छोटे खड्डे भरना, ये करना, ये हमारा फ़र्ज़ है, सरकार का काम है। सरकार हर जगह जहाँ जहाँ हमारे पास तकरार आती है, हम बिल्कुल कॉरपोरेशन को कहकर वो काम करवाने का, पूरे महाराष्ट्र भर में हम करते ही है, लेकिन ये जो समस्या है पिछले कई महीनों से चल रही थी। और मुझे ये दुख बात है कि इसके ऊपर खाली तुमको खड़े रहकर अधिकारी को कहकर जल्द से जल्द करवा के लेना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में करना चाहिए कि इतनी ज़रूरी चीज़ें। आज बड़े वरिष्ठ, मतलब आज स्कूल के चर्च के फादर यहाँ पे खड़े हैं, गुरुद्वारे से लोग खड़े हुए, मस्जिद के इमाम खड़े हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिज ज़रूरी है, कि छोटे बच्चों को तकलीफ हो रही है, यहाँ किसी को अटैक आ गया तो जाने के लिए गाड़ी की सहूलत नहीं है, क्या एम्बुलेंस आ नहीं सकती, तो ये कितनी बुरी बात है। ये सारी चीज़ें तुरंत होनी चाहिए। और आज मुझे परसों के दिन ये सारे लोग आके मुझे आयोग के कार्यालय में इन्होंने तकरार की, आज परसों तकरार की, आज बिल्कुल हम यहाँ पहुँच गए और सारे अधिकारी को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, तुरंत 10 दिन के अंदर ये काम शुरुआत होना चाहिए और 100% होगा। अच्छा, अपने बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे लोग हैं, स्कूल के बच्चे जाने जाने के लिए बहुत तकलीफ है, एग्ज़ाम के टाइम ब्रिज छूटा था
बच्चे लोगों को आने जाने तकलीफ था, बस ये जगह में ट्रैफिक रहते हैं बहुत। बिसाइज दैट हमने मैंने समझा था कि वो ये स्कूल ओपनिंग के लिए हम लोग ब्रिज एटलीस्ट करेंगे, पर हुआ नहीं। तो अभी सर ने विश्वास दिया तो हम बहुत खुशी की बात है कि विश्वास दिया कि ब्रिज होने वाले, ये अपने बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपके आने से उम्मीद बढ़ गई है, अभी काम इंशाल्लाह चालू हो जाएगा जल्दी। तो बहुत सारे लोग आए खाली आश्वासन दे के चले गए, लेकिन अभी काम शुरू हो जाएगा। आज वाले तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे एक पैसे का, 20 साल से यहाँ विधायक कोई काम ही नहीं किया आज तक इतना बड़ा ब्रिज बनाने का।